हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने रेडी हूँ जी। आज फिर हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जितने लोग मेरे चैनल पे हैं, थैंक यू सो मच आपका। और जो नहीं है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप देख सकें। और आज का ट्रिप है जी हमारा कराची कमाड़ी से लेकर मंडोरा तक। जी हाँ, आप हमारे साथ चलेंगे तो लेट्स गो। कराची और मनोड़ा तक का सफ़र मैं बताऊंगी कि कितने में हुआ, कैसे हुआ जी। मैं हम लोग पहुंचे जी कमाड़ी। तो कमाड़ी के लिए हमने ली एक अपनी प्राइवेट कन्वेंस, जो कि हमें मिली 3000 में। और आगे जब हम गए अंदर कमाड़ी में, तो वहां पे हमें लेनी थी जी बोट या क्रूज या कुछ भी जो भी वहां अवेलेबल था। तो ये मैं बाहर के मनाजर दिखा रही हूँ, जब हम अंदर जाते हैं तो दिखाती हूँ कि किस तरह का मंजर है। चलें जी, लेट्स गो इन। तो यहाँ कुछ अच्छी एंट्री है, फिर साइड पे उन्होंने कहा कि जी फैमिलीज़ के लिए वो गेट है, तो फिर हम उस तरफ हो गए। तो जी इस तरह छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं बाहर, जो लोग खाना चाहें वो खा सकते हैं, यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। और आगे जी हम चले तो गए, आगे जी मुश्किल पड़ गई। यहाँ इन बोट्स में से हमें कोई एक बोट चूज़ करनी थी जो कि हमें वहाँ तक मनोरा तक लेके जाती, लेकिन ये प्राइवेट बोट्स भी थी और कुछ पब्लिकल भी थी। और 5000 जी उन्होंने हमें रेट बताए और हमारे तो छक्के छूट गए। फिर हमें पता चले जी 300 पर पर्सन लेंगे, और इनमें से प्राइवेट इन बोट्स हम लोगों ने एक हायर कर ली। फाइनली जी अब मैं आपको जो कि जी हमें मिली 3000 में आने जाने की, और ये प्राइवेट थी, इसने हमारा वेट भी करना था। तो यहाँ मुश्किल मुझे ये लग रही थी कि ये किस तरह निकालेंगे जी, इतना झमघट्टा था। लेकिन जाहिर है उनका काम कहा जाए तो उनको तो पता है किस तरह निकालेंगे। ईजिली जी उन्होंने हमें निकाल लिया। और यहाँ जी मेरा चुटकू सो रहा है। और अगर आपको वीडियो लाइक करनी है तो कर दे प्लीज़। और यहाँ सारे जी बैठे हुए हैं, और फिर आगे मैं दिखा देती हूँ। ये फाइनली हम निकल रहे हैं, अब ना पता ही नहीं चला कि किस तरह उन्होंने निकाली, बड़ी जल्दी निकाली। और यहाँ पे हम लोग जी जा रहे हैं मनोरा की तरह राइट नाउ। यहाँ सफाई हो रही है जी, बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी सफाई हो रही है। ये देख रहे हैं आप क्रेन थी, और वैसे भी छोटी छोटी बोट्स में वो जालियाँ लेके क्लीनिंग कर रहे थे, और इतना नीट एंड क्लीन लग रहा था। और मज़े की बात कि स्मेल नहीं थी। और इसके साथ साथ जी मैं आपको ये मंज़र दिखा दूं, जो लाइट हाउस है इनका, और छोटी छोटी शिप्स खड़ी हैं और यॉट्स खड़ी हैं। यॉट्स वाला सीन तो निकल गया, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बात हो रही थी कि ये ट्रिप हमें कैसा मिला जी। ट्रिप अभी तक तो हमारे लग गए हैं 6000, क्योंकि 3000 और 3000 हमारी कन्वेंस के, और प्लस जी अभी आगे जो दिखाऊंगी वो तो आप हैरान ही हो जाएंगे। और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें सस्ती भी मिली, वो भी दिखाऊंगी। तो जी क्या मिला सस्ता, अभी तो वहाँ चल के तो दिखाती हूँ। सो फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं। मनोरा पे उतरते सारी हमने एक सुजुकी ली, जो कि हमें 30-30 रुपए में पर पर्सन पड़ी। और इसके बाद जी हम यहाँ एक शेड में आके बैठ गए, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जहाँ से हमने खाना लिया। खाना लिया जी हमने 1200 का, 800 की मछली, कोल्ड ड्रिंक एंड नान। तो ये अच्छी जगह थी। मेरी सास कह रही थी कि भाई हमने यहीं बैठना, बहुत धूप है। और वाकई हम लोग बैठ गए। यकीन माने पानी इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा उसका मंज़र। और हमने अपने पाँव वगैरह नहीं डिप किए, और खर्चा अभी देख रहे हैं ना आप कहाँ तक पहुँच रहा है। तो मंज़र दिखाती हूँ फटाफट, देखते हैं मंज़र। और मैं आगे भी लेके जाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी। और इसके साथ साथ मैं दिखा दूँ, यहाँ दूरबीन पड़ी हुई है। तो बार बार वो आ रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग देख सकते हैं। सो जी ये देखिए दूरबीन है पड़ी हुई, एक नहीं बल्कि दो, बहुत सारी फैमिलीज थी। और मेरे ख्याल से रेंडमली सब हमारी तरह ही आए थे, और एक्सपेंसिव पड़ता गया।
ट्रिप, और उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि आगे जाके हमारे साथ होने वाला क्या, जैसे हमें नहीं था पता। तो ये ट्रिप देख रहे हैं हम, और यहाँ से कुछ सस्ती चीज़ें भी मिली हैं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आप खुश होंगे देख कर। ये देखे इतना क्राउड था कि हमें देख के मज़ा ही नहीं आया कि हम पानी में जाएं, इतना ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ था कि वहाँ शाम के टाइम पे कुछ गाइड करने वाले जो होते हैं वो रेड झंडे लेके आ गए थे कि जी आउट हो जाएं फ्रॉम द वाटर बिकॉज यहाँ पर लहरें तेज़ हो सकती हैं। सो ये जी एक काम मंजर है जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैप्चर कर रही हूँ। ये देखे मैं जेवी और जेडन को हमने पाउंड डिप करवाने की कोशिश की, लेकिन जॉय तो इतना और लेकिन रश बहुत ज़्यादा था, हम तो मतलब बिल्कुल भी जस्ट गए हैं पैसे लगाने, और जी बिल्कुल 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 ये लोग खड़े हैं बस ऐसे कैप्चर वैप्चर किया थोड़ा सा और मज़ा लेने की कोशिश की। फिर यहाँ पे मेरे हुई बर्थडे सेलिब्रेट मेरे बेटे की फर्स्ट, कल रात भी एक केक कटा तो वो आगे कभी किसी वीडियो में दिखा दूंगी। और ये जी इसके दादा लोगों ने वहाँ पे सेलिब्रेट किया, जो कि केक हम यहाँ से लेके गए थे तो जाते जाते इसकी हालत इस तरह की कुछ हो गई, तो वन ईयर का ऑफिशियली मेरा बेटा हो, तो ये भी एडवांस में हमने बर्थडे। तो जी मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है पैसे लगाने का। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ जब आप फैमिली के साथ प्लान करें तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और सोच समझ कर प्लान करिएगा। बजे से लेकर हम लोग 5-6 बजे 4:30 बजे तक बैठे और थोड़ा सा इन्जॉय किया, और इन्जॉय करने के बाद हम लोग वापस अपनी मंजिल की तरफ हो पड़े, जो कि प्राइवेट यॉट खड़ी थी वहाँ पे हम लोग बैठे बोट में, और दोबारा जी हम कराची की तरफ अपने कराची की तरफ मतलब कराची में ही अपने घर की तरफ आ गए। आई होप गाइज कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंस हो गया। और जी आप अपनी फैमिली के साथ जब भी अपना प्लान करें तो प्लीज़ कराची में बड़े सोच समझ के करें, ताकि आप लोगों को एक्सपेंस का ख्याल रहो। और इसके साथ साथ जी मैं जब आपको लेके चलती हूँ वापसी के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी चीज़ जी सस्ती पड़ी, वो मैं आपको घर पे दिखाती हूँ। और ये हम लोग उतर रहे हैं, और जी हम उतरे बड़ी अच्छी जगह पर थे, चढ़े बड़े क्राउडेड प्लेस से थे लेकिन उतर अच्छी जगह से रहे हैं। सो ये जी उतर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्लीन था और अच्छा लग रहा था। और इसके साथ साथ जी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दे, चाहे चैनल आप दोबारा भी देख सकें। और जी हाँ मैं बता रही थी कि कुछ वहाँ से सस्ता मिला, वो सस्ता ये मिला, ये चार चीज़ें थी जो कि एक बोट है, घर है, और एक बकेट है, और एक कपल का शोपीस है, जो कि हमें मिला चार चीज़ें पूरे 100 रुपये में। ये देखे अच्छा स्टफ़ लग रहा था, जो कि मेरी बेटी ज़िद कर रही थी और इसके दादाजी ने वहाँ से ले दिया। ये मनोरा में हमें मिला है, मनोरा में बहुत प्यारे सुवेनियर्स के प्लेसेस थी, गिफ्ट शॉप्स थी, जो कि मैं नहीं दिखा पाई, सो सॉरी, बट यही चीज़ हमें सस्ती मिली, बाकी सारा कुछ बहुत एक्सपेंसिव था, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस यही चीज़ें जी मिली। और जी हमारा ट्रिप आपको अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। बाय बाय एवरीवन।